अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अबर टेक्निकल उर्दू की जानिब से आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़र हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल की स्टोरेज बहुत कम हो जाती है, देख सकते हैं ऊपर एक मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके मोबाइल की स्टोरेज कम हो चुकी है, तो मैं इस ऑप्शन को किस तरह से रिमूव कर सकता हूँ और अपने मोबाइल की स्टोरेज को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इससे अगर ये मेमोरी फुल हो जाए मोबाइल की तो मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसे हटा सकते हैं और इसके अलावा किस तरह से अपने मोबाइल की मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल की स्टोरेज चेक करवा देता हूँ कि इसमें कितने फ्री स्पेस हैं। तो मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ और देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास तकरीबन 330 MB फ्री स्पेस मौजूद है। तकरीबन 500 से 600 के दरमियान अगर फ्री स्पेस मौजूद हो तो ये नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर इससे ज़्यादा कम हो जाए तो ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके मोबाइल की स्टोरेज कम हो चुकी है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल की स्टोरेज में तकरीबन 1 GB जगह छोड़ दिया करें, क्योंकि ऐप जो आपने ऐप यूज़ करते हैं उनका डाटा वगैरह वो स्टोर होना होता है और इस तरह से मोबाइल की परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर मेमोरी कम हो जाएगी तो आपके मोबाइल की स्टोरेज कम हो जाएगी और उससे आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी और आपका मोबाइल बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम मोबाइल की स्टोरेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड USB, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है फ़ोन स्टोरेज, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर तक ये लोडिंग हो रहा है तो ये हो जाएगा जी कैलकुलेट, तो ये देखें ये हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है कैश डाटा, तकरीबन 115 MB ये डाटा बैकग्राउंड पर डाटा स्टोर होता है, ये देख सकते हैं ऐप्स का, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसी एप्लीकेशन को फ़र्क पड़ेगा और ना ही आपकी कोई चीज़ डिलीट होगी। ये बैकग्राउंड पर जब हम कोई ब्राउजिंग करते हैं तो ये बैकग्राउंड पर डाटा खर्च होता है और वो जगह घेरता है। तो देख सकते हैं तकरीबन 115 MB स्पेस मैंने सेव कर ली है। तो अब आपने बैक आ जाना है और इसके बाद आपने एक ऊपरी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको ऐप्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको काफ़ी ऐप्स आपके मोबाइल में जो भी ऐप इंस्टॉल हैं या आपके मोबाइल के जो ऐप्स हैं वो जो जो मेमोरी यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल आ चुकी है। ये देख सकते हैं कि इस वक्त कौन सा सिस्टम कितनी कितनी जगह घेर रहा है। तो चलिए आप उन ऐप्स का डाटा रिमूव कर देख सकते हैं। फेसबुक ने तकरीबन 247 MB की स्पेस इस वक्त यूज़ है। अगर मैं इसका डाटा अगर मैं इसे क्लियर डाटा पर क्लिक करूँगा तो तकरीबन 188 MB की स्पेस मुझे मयसर हो जाएगी। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, लेकिन अगर आप इसे क्लियर करेंगे तो आपको फेसबुक को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं चलो फेसबुक को दोबारा लॉगिन कर लूँगा, तो मैं अभी इसे क्लियर डाटा पर क्लिक कर देता हूँ। देखें मैंने अभी इधर क्लिक किया है और ऊपर से वो नोटिफिकेशन जा चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर से वो नोटिफिकेशन जा चुका है। तो अब मैं आपको और भी इससे और ज़्यादा मेमोरी किस तरह सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आपने बैक जाना है और यहाँ पर आपको जो जो ऐप आप बहुत कम यूज़ करते हैं जिस तरह से गूगल है, आपने इसका भी डाटा वगैरह क्लियर कर दें।
और मैंने स्पेस और उसके बाद क्लियर डाटा है, तकरीबन देख सकते हैं कितनी मेमोरी सेव हो रही है। इस तरह से आप काफ़ी सारे आप चाहें तो सारे ऐप का भी डाटा क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप उन अकाउंट्स का करें जैसे व्हाट्सएप, अगर मैं व्हाट्सएप का डाटा क्लियर करूँगा तो वो सारे मैसेज वगैरह में डिलीट हो जाएंगे, तो मैं वो उसे नहीं करता। आप इस तरह से मैसेंजर को भी नहीं, मैं जिन्हें आपने यूज़ करना है आप उनका डाटा क्लियर ना करें, जो आप बहुत कम यूज़ करते हैं, जिस तरह मैं अपना मनी मैं इसे बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं इसका डाटा क्लियर कर देता हूँ। स्टोरी पर क्लिक करूँगा और उसके बाद क्लियर डाटा और ओके, तो ये देख सकते हैं और इस तरह से डाटा क्लियर कर देना है। इस तरह से आप जो जो ऐप्स का डाटा क्लियर करना चाहते हैं आपने इसका डाटा क्लियर कर देना है। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके बाद आपने अपने मोबाइल के ऐप्स में आ जाना है, आपने वो ऐप्स अनइंस्टॉल कर देने हैं जो आप कम यूज़ करते हैं। मैं ये वाला ऐप बहुत कम यूज़ करता हूँ तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर दूँगा। ओके ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऐसा ऐप हुआ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे भी अनइंस्टॉल कर दूँगा ताकि मेमोरी सेव हो, क्योंकि हमने मेमोरी अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ानी है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको अपने मोबाइल की स्टोरेज दिखा देता हूँ। पहले हमने देखी थी तो तकरीबन 323 MB फ्री अवेलेबल थी, और अब देखते हैं और अब तकरीबन 778 MB की स्पेस मौजूद है। अब मैं आपको ओपन कर दिखाता हूँ। आपके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे एम्प्टी फोल्डर बन जाते हैं और वो भी स्पेस लेते हैं, तो चलिए आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपने शो हिडन फाइल्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने इन सब फोल्डर्स पर क्लिक करना है और इन्हें डिलीट कर देना है। और ये एंड्रॉयड, मैं इन सब को डिलीट कर दूँगा। मैं इन सब को डिलीट किया है तो इससे भी काफ़ी मेमोरी सेव हो गई है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल की मेमोरी को सेव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।